पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस, हमने अभी तक जो डेरिवेशन की है उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, लेकिन सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन क्यू टू, तो आंसर क्या आया था, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू बाई आर। लेकिन हो सकता है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस हो, इस क्लास में दो बच्चे के हमें तीन बच्चे बैठाने हो तो अब झगड़ा तो करेंगे ही, बिठाने तो पड़ेंगे, तो वर्कडन मुझे करना ही पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्कडन करूंगा उन तीन चार्जेस को बिठाने का, वो अमाउंट ऑफ वर्कडन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्ट करते हैं, तो मेरे को ये तीन पॉइंट्स पे तीन चार्जेस को बिठाना है। तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ये बोलती है कि इनिशियली वो चार्जेस कहां पर पड़े हुए थे, एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपने क्यू वन चार्ज को रखा या नहीं पड़ा हुआ था, क्यू वन चार्ज को रखने का आपने वर्कडन निकाला, वो वर्कडन की वैल्यू पहले चार्ज को रखने की क्या आएगी, जीरो। ठीक है, तो पहले चार्ज को रखने का वर्कडन क्या आएगा, जीरो। ठीक, ऐसा क्यों क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, एक खाली क्लास थी, इसको कहा चल पड़ेगा, तेरा नाम चार जाएगा तो चलता हूँ जी, कोई धक्का तो नहीं मारेगा, मैं नहीं मारेगा, क्लास खाली पड़ी है तो मेरे को वर्कडन करने की जरूरत क्या, खुद ही भागने को तैयार है, बात खत्म। तो इसलिए पहले चार्ज का वर्कडन हमेशा जीरो। चक्कर तब पड़ेगा जब इसको तो बिठा दिया, अब दूसरे को जब लेके आऊंगा, दूसरा चार्ज को ये रिपेल करेगा, अब वर्कडन स्टार्ट होगा। तो पहले चार्ज का रखने का वर्कडन जीरो, तो क्यू वन तो रख दिया, अब बात है किसकी, क्यू टू की, क्यू टू को रख दिया, पर क्यू टू को आसानी से रखा, जब क्यू टू को रखा तुम इसने इसको अपोज किया तो मुझे वर्कडन तो करना पड़ेगा इसके ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो इस चार्ज क्यू वन ने यहाँ पे क्या लगा रखा था, पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल था, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन टू, ये पोटेंशियल है। और मैंने कितना चार्ज रखा, क्यू टू, और मैंने आपको क्या सिखाया, इनका वर्कडन या एनर्जी कैसी आएगी, यहाँ पे जो चार्ज है क्यू टू और यहाँ का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज इंटू चार्ज क्यू टू इंटू पोटेंशियल मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। तो इतना अमाउंट ऑफ वर्कडन मेरे को रखना पड़ा। अब एक स्टूडेंट बोला इतना मुश्किल कर क्यों रहे हो, सीधा ही बोल दो क्यू वन क्यू टू, तो सीधा वर्कडन पता ही था, दो चार्जेस का वर्कडन क्या होगा, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू। हाँ लिख दो, मैंने कहा मना किया, मैं तो वैसे बता रहा था, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, यूज करना बता रहा था। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, मैं यूज करना इसमें बता रहा था, कोई डाउट इसमें, ठीक है। आप सीधा लिख दो क्यू वन क्यू टू का वर्कडन तो आपको वैसे ही याद है, पर नहीं तो ऐसे लिख दो क्यू टू चार्ज है और यहाँ पे क्यू वन ने क्या लगाया, पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाउट इसमें। चलो अब मेरी भी सुननी पड़ेगी आपको, क्यू वन क्यू टू रख दिया, अब बारी किसकी है, क्यू थ्री रखने की, क्यू थ्री का वर्कडन कैसे निकालोगे, कोई शॉर्टकट ही नहीं है। तो क्यू थ्री का क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू वन ने और क्यू टू ने मिलके यहाँ पर पोटेंशियल लगाया हुआ है, तो क्यू वन ने क्या पोटेंशियल लगा रखा था, 1/4 pi epsilon naught क्यू वन डिवाइडेड बाई आर वन थ्री, और क्यू टू ने क्या लगाया, क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू थ्री। अब क्यू थ्री चार्ज को रखा तो वर्कडन कितना करना पड़ा, चार्ज क्यू थ्री इंटू पोटेंशियल वी डैश, तो क्यू थ्री को वी डैश ने मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब पहले चार्ज को रखने का वर्कडन जीरो था, दूसरे चार्ज को रखने का वर्कडन ये रहा, तीसरे चार्ज को रखने का वर्कडन ये रहा, टोटल सिस्टम का वर्कडन ही पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम का वर्कडन में तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। जब पेपर में आएगा ऐसे मत करना, सीधा शॉर्टकट, शॉर्टकट ये है, आज के बाद अगर आपको तीन चार्जेस आए और आपसे बोले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखो, तो आप दो दो करके पेयर बना दो, पहले एनर्जी लिखो Q1 Q2 की, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R 1 2, फिर ये लिखो 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 by R 2 3, फिर ये लिखो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R 1 3, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, डन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्लोज। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे शॉर्टकट बना देना है इसका, सीधा आंसर लिखना है इसमें। डेरिवेशन मुझे लगता नहीं है कभी आती है, बट इन एनी केस अगर आ भी जाएगी तो सीधा लिख भी दोगे तो होगी डेरिवेशन भी, मैंने दो दो करके पेयर बनाए थे, बात खत्म। ठीक है यहाँ तक।